तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि एक ब्लॉक है प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन और ये इंक्लिनेशन यहाँ थीटा दे रखा है। इफ द स्लोप ऑफ सच दैट ब्लॉक स्लाइड डाउन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ध्यान देना कि ब्लॉक कॉन्स्टेंट स्पीड से आ रहा है। कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब होता है एक्सलेशन जीरो, ठीक है ना। अगर स्पीड यहाँ कॉन्स्टेंट है, स्पीड तो नहीं कॉन्स्टेंट होगी, यहाँ पर स्पीड भी कॉन्स्टेंट होगी तो वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि वो सीधा ऐसे आ रहा है ना यार, सीधा ऐसे आ रहा है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कुल मिला के क्या हो गया भाई, जीरो है। तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो सबसे पहले ये देखो कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो नॉर्मल गया इधर और एम जी गई इधर और काइनेटिक फ्रिक्शन गया इधर, कुल मिला के यही तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। ये काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अब एम जी का एक कॉम्पोनेंट ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे वर्टिकल में तो मोशन हो नहीं रहा, तो नॉर्मल तो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर ही लिया होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हॉरिजेंटल इधर जो है, इधर भी एक्सलेशन जीरो है, तो अगर ये एम जी साइन थीटा 20 न्यूटन का होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का होगा, तभी तो एक्सलेशन जीरो आएगा यार। तो मैं एम जी साइन थीटा को बराबर कर देता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन और ये है एम जी साइन थीटा, और म्यू एन की वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे एम जी कॉस थीटा और दैट इज एम जी यहाँ से साइन थीटा। अब एम जी ने एम जी को यहाँ ख़त्म हो गया, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से टेन थीटा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू टेन थीटा, डी ऑप्शन सही है। थैंक यू।